بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. पाकिस्तान के वजीर आजम मोहतरम इमरान खान साहब ने आज एक मैसेज के जरिए पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि अगर दुनिया होलोकास्ट के ऊपर बात नहीं करने देती तो फिर दुनिया का ये दोहरा मेयार क्यों है कि वो 1,30,00,00,000 से ज्यादा मुसलमानों की मोहब्बत और जान और माल से ज्यादा अजीज, औलाद से ज्यादा अजीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की क्यों इजाजत देती है? दुनिया क्यों इस्लामिक फोबिया और तौहीन नामूस रिसालत करने वालों को पनाह देती है और उनका तहफ्फुज करती है? इससे पूरे आलम इस्लाम के दिल जख्मी होते हैं और जो पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल है ये हमारा दाखिली मामला है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की वजह से. लेकिन गुस्ताखों को यह जान लेना चाहिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों को यह जान लेना चाहिए कि हमारा मौकफ नामूस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज़ के लिए एक है, पूरी उम्मत का मौकफ एक है. और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को यह एजाज दिया है कि हमने OIC से लेकर अक्वामे मुत्तहिदा तक इस पे अपनी आवाज को बुलंद किया है और खाली आवाज को बुलंद नहीं किया, हम इस हवाले से जो कोशिश भी हो है वो कर रहे हैं. हम अक्वामे मुत्तहिदा से कानून साजी चाहते हैं ताकि कोई गुस्ताख तमाम आसमानी मजाहिब, तमाम आसमानी कुतुब, तमाम अंबिया और बिलखसूस सैयद अल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की तौहीन न कर सके. लिहाजा गुस्ताखान रसूल और उनके हामी जो है उनको ये बात मालूम होनी चाहिए कि पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल हमारे दाखिली मसाइल की वजह से है, लेकिन जो तौहीन नामूस रिसालत की बात है उस पर पूरी उम्मत एक है. हुकूमत पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान इस हवाले से आलमी सतह पर जो जद्दोजहद कर रहे हैं वो दुनिया के सामने है. ना कल तौहीन नामूस रिसालत कबूल थी, ना आज कबूल है, ना आइंदा कबूल होगी. हमारा तो मिशन ये है कि नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ्फुज़ के लिए पूरी उम्मत एक हो जाए और उसकी मिसाल OIC में OIC के वज़राए खारजा के इजलास में पाकिस्तान की मुत्तफिका करारदाद है.